केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि मुस्लिमों की बढ़ती आबादी देश के लिए खतरा है। गिरिराज सिंह यहीं पर नहीं रुके, अपनी बात के समर्थन में उन्होंने कुछ आंकड़े भी पेश किए और पेश करते हुए कहा कि यूपी, असम, पश्चिम बंगाल, केरल के ऐसे 54 जिले हैं जहाँ पर हिंदुओं की आबादी कम हुई है। जिन जिलों में बढ़ रही है वो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। भोपाल में एक कार्यक्रम में गिरिराज सिंह ने राम मंदिर निर्माण की बात तो कही, साथ ही ये विवादित बयान भी दे दिया। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब गिरिराज सिंह ने ऐसा बयान दिया हो। हाल ही में उन्होंने फिल्म पद्मावती को लेकर भी अपना विरोध जताते हुए विवादित बयान दिया था। ये भारत का राष्ट्रवाद एक अलग खतरे में घिर चुका है, वो है डेमोग्राफी। वो डेमोग्राफी ऐसा चेंज हो रहा जो राष्ट्रवाद के लिए घातक साबित होने वाला है। आज कश्मीर में क्या हो रहा है और कन्याकुमारी में क्या हो रहा है? कन्याकुमारी में गया था, कश्मीर भी गया था और केरल भी गया था। केरल शंकराचार्य जी की जन्मस्थली है, वहां 5 जिले हैं। पॉपुलेशन डेमोग्राफी ऐसा चेंज किया है कि वहां की राष्ट्रीयता अपना राग अलाप रहा है। वो कह रहा है मल्लेपुरम, यहां गैर मुसलमानों को प्रवेश वर्जित है। क्या इसी राष्ट्रवाद की कल्पना हमारे 6वीं शताब्दी में या हजारों हजार साल पहले देखे थे, या आजादी के समय हम जिस राष्ट्रवाद की कल्पना लेकर के आज देश का डेमोग्राफी चेंज कर गया है?